हेलो गाइस, आई एम डाइटिशियन अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी फेस्टिवल्स आता है ना, मिठाइयों को देखकर हमारी क्रेविंग्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम मिठाइयाँ खाएंगे तो बड़ा ज़्यादा गिल्ट होता है अगर हम खा लिए तो, अगर ना खाए तो बड़ा ज़्यादा क्रेविंग होती है, खा लूँ एक खा लूँ या ना खाऊँ। बहुत इस कश्मकश में हम रह जाते हैं कि खाएँ या ना खाएँ। खा लिया तो ऐसा लगता है ब्लोटिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगा, हमारा वेट एक्स्ट्रा 1-2 किलो बढ़ जाएगा। और अगर नहीं खाया तो ऐसा लगता है कि हमारे से कुछ छूट रहा है, हम मज़ा नहीं ले पा रहे अपने फेस्टिवल का। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुपर्ब सी होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, एंड इट इज़ अ वेट लॉस रेसिपी जो आपको बहुत सारा वेट लॉस और इंच लॉस देने वाली है। आज मैं आपके सामने कोकोनट मखाने की बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट मखाना बर्फी बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा सेशिएटेड फील कराता है, एंड वेरी अमेजिंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी एंड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं। आज मैं न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं बताने वाली हूँ, बट ये मैं ज़रूर बता दूँ कि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आपको बहुत सारा वेट लॉस और इंच लॉस देने वाली है ये रेसिपी। और अगर आप इस मिठाई को खाते हो ना, तो होली पे एकदम आपको गिल्ट नहीं लगेगा कि मैंने ये मिठाई क्यों खाया, एकदम सी भी गिल्ट नहीं आएगी। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ईजिली शेयर कर सकते हो और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आप ये बता सकते हो कि इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रेसिपी, इसे खाकर उन्हें भी बहुत सारा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलेगा और वो इजीली इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा एक फर्ज भी बनता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को हेल्दी रेसिपीज खिलाएं, वो बाजार वाली मिठाइयां नहीं जिसमें बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स होती है, बहुत सारा शुगर होता है और बहुत, मतलब कहते हैं ना कि इतनी सारी प्रिजर्वेटिव्स होती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी यमी सी कोकोनट मखाना बर्फी होली स्पेशल। कोकोनट मखाने की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पैन को चढ़ा दिया है और पैन हमारा हीट भी हो चुका है और ये चला गया हमारा 1 कटोरा मखाना है। इट इज अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ मखाना। नेक्स्ट इज 75 ग्राम्स ऑफ आलमंड और इसे हमें अच्छे से स्टर करते हुए रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे से हमारे मखाने और आलमंड रोस्ट हो चुके हैं, देख सकते हो। तो इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। लेट इट कूल डाउन फॉर 10 मिनट्स, हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। आई एम हियर रेडी विथ माई ग्राइंडिंग जार और यहाँ हम डाल रहे हैं 1 कोकोनट। पूरा 1 कोकोनट को मैंने रफली चॉप किया था, ये चला जाएगा इसमें, एंड इसे हम रफली ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो चुका हमारा कोकोनट, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ कोकोनट को। तो ये निकल चुका हमारा कोकोनट, मैंने निकाल लिया है। तो अब बारी आती है इसी मिक्सिंग जार में मैं आलमंड और मखाने को डालूंगी और उसे भी मैं ग्राइंड करूंगी। तो इसे मैं रखती हूँ असाइड और अब बारी आती है आलमंड और मखाने को डालने की। तो चलिए गाइस, अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। इट्स टाइम टू से अगेन ग्राइंड ग्राइंड एंड ग्राइंड। बहुत ही अच्छे से हमारे मखाने और आलमंड भी ग्राइंड हो चुके हैं, तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस पैन में हमने मखाने और आलमंड को रोस्ट किया था, सेम पैन में हम ये प्रोसेस करेंगे। मैं यहाँ 1 टीस्पून ऑफ घी ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे सबसे पहले मैं डालूंगी जिस नारियल को हमने ग्राइंड किया था। नेक्स्ट इज ग्राइंडेड आलमंड एंड मखाने, इसे अच्छे से हम स्टर करते हुए मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे। एंड जिन जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिन लड़कियों को, जिनको थायराइड की इश्यूज है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज से सफर कर रहे हैं, वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। होली के टाइम पे ये आपको एक तरीके का डिटॉक्स भी देगा, बहुत ही अमेजिंग है और आपकी स्वीट की क्रेविंग को भी किल करेगा और एक फीलिंग दिलाएगा कि आपने बहुत ही अच्छी सी मिठाई खाई है, बहुत ही अमेजिंग ये मिठाई है। लास्ट 30 सेकेंड से मैं इसे बहुत ही अच्छे से स्टर कर रही हूँ। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी 3 से 4 इलायची है जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से कूट लिया है। काजमम पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। मिक्स इट वेल अगेन। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लास्ट 1 मिनट से मैं स्टर करते हुए मिक्स करते जा रही हूँ, भूनते जा रही हूँ और देख सकते हो धीरे धीरे हमारा कोकोनट ड्राई होने लगा है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी जैगरी एंड दैट इज 75 ग्राम्स ऑफ जैगरी। बस इसे अब हम मिक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे ये मेल्ट होते जाएगा एंड इसे हम मिक्स करते जाएंगे। हमारी जैगरी बहुत ही अच्छे से मेल्ट होने लगी है। मिक्स इट वेल। जस्ट 3 to 4 मिनट्स में ये बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है। इट इज एब्सोल्युटली रेडी। कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है, देख सकते हो, एंड बहुत ज्यादा इससे हमें ड्राई नहीं करना है।
लेकर चलती हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया और इसे मैं थोड़े से घी से ग्रीस कर ले रही हूँ, बिकॉज हम बर्फी बना रहे हैं ना, बर्फी को हमें सेट करना होगा। फिर मैं पूरी डो को इस प्लेट में डाल दूंगी, विद द हेल्प ऑफ स्पून हम इसे सेट करेंगे। हमने इसे स्पून की हेल्प से दाब दाब के एक स्क्वायर सेटिंग दे दी है और अब इसे मैं चलती हूँ फ्रिज में रखने, बिकॉज 10-15 मिनट्स लगेगा इसे सेट होने में। एंड आफ्टर दैट मैं इसे कट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके शेप कैसे आए। हमारी बर्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी थी और मैंने इसे कट कर लिया है। 10-15 मिनट्स के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था और मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार सी बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार है। लुक एट दिस गाइस, आ रहे हैं ना मुँह में पानी, बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए अब इसे पहले सर्व करते हैं और सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। हमारी कोकोनट मखाना बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है। और मैंने इसे यहाँ पे थोड़ी सी चॉप्ड आलमंड से गार्निश कर दिया है। होली स्पेशल हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है गाइस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो, गिल्ट फ्री है, आराम से खाओ, कोई वजन नहीं बढ़ने वाला। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को खिलाओ। डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।